भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई ट्वीट करते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार में नीतीश कुमार सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत एनडीए विधायकों को दल बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए यह सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और एक मोबाइल नंबर भी शेयर करते हुए दावा किया है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे होने के बावजूद लालू यादव इस नंबर से बात कर सकते हैं। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक के लाइन। हाँ दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा जी। हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श साहब का, ठीक है? खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा, ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जाओ पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करें सर, ठीक है? ठीक, ऑब्सेंट हो जाओ। मोदी ने ट्वीट किया, लालू राजग विधायकों को रांची से टेलीफोन कॉल कर रहे हैं और मंत्री पद का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने जब फोन किया तो सीधे लालू प्रसाद ने फोन उठाया, मैंने कहा कि जेल से इस प्रकार के गंदे खेल मत खेलिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब यह समझिए कि सुशील मोदी द्वारा लगाया गया आरोप क्यों गंभीर है और अगर यह सच हुआ तो क्या हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम को देखा जाए तो एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीट हैं। ऐसे में महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए महज 12 सीटों की जरूरत है। इस परिस्थिति में अगर सुशील मोदी का आरोप सही निकला और एनडीए विधायकों में टूट हुई तो सरकार गठन के बाद भी परिणाम पलट सकता है और महागठबंधन सरकार बना सकती है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुशील मोदी लालू यादव पर जेल में रहते हुए जेल के नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से पहले उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा गया था, बाद में कोरोना के खतरे को देखते हुए रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।